हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जे एस फाइलसी क्लासेस में ज्योति सिंह। हमने यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का फंक्शन और उसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ ली है। आज हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है जो सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है, आज उसकी पढ़ाई करेंगे। तो आज हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की का इंफॉर्मेशन लेंगे। तो देखिए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में चार ऑर्गेनलीज आते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बॉडी, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स। इंडो मेम्ब्रेन का मतलब है, इंडो मेम्ब्रेन जो है दो वर्ड से जुड़ के मिल रहा है। इंडो का मतलब है इनसाइड और मेम्ब्रेन का मतलब है परत या झिल्ली। तो मतलब हम इनसाइड जो है एक मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम जाके कुछ स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। तो ये इसलिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये नाम रखा गया। और यहाँ पर चार ऑर्गेनलीज क्या कर रही है, एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है। ये चारों ऑर्गेनलीज के जो फंक्शंस है कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब है कि सारे चारों ऑर्गेनलीज जो अपना काम कर रहे हैं मिलजुल के कर रहे हैं। अगर कोई एक ऑर्गेनलीज, मानो कि ये जो ई आर है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर गोल्जी बॉडी ने पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन नहीं किया है तो ये लाइजोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा, लाइजोसोम बनेगा ही नहीं हमारे सेल में, और वैक्यूल का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चारों ऑर्गेनलीज जो है अपने फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे पहला है स्ट्रक्चर हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये दो इंडोप्लाज्मिक दो वर्ड से जुड़ के मिला है। इंडो का मतलब है इनसाइड, अंदर, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम गए, वहाँ पे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस है, सेमी सॉलिड फ्लूइड है, उसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि रेटिकुलम है, मतलब जो जाल की तरह, नेटवर्क की तरह साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम ईआर लिखते हैं। इसके बाद है गोल्जी बॉडी, फिर लाइजोसोम है, वैक्यूल है। ये चारों ऑर्गेनलीज जो है सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब ये चारों ऑर्गेनलीज जो है उसके पास मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा बंधे हुए हैं। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो न्यूक्लियस है वो दो मेम्ब्रेन के द्वारा दो डब्बे के अंदर में अपने मटेरियल को, सामान को पैक करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वैसे ऑर्गेनलीज का नाम बताइए जो कि सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो इस चारों ऑर्गेनलीज के हमें नाम याद रखना है। यहाँ पे अब देखिए कौन से स्ट्रक्चर है जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरी एक्सोसोम्स को जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि इस तीनों का जो फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तीनों फंक्शन, तीनों ऑर्गेनलीज जो है अपने काम को ना अलग अलग कर रही है, परफॉर्म कर सकती है। तीनों का अपना, तीनों ऑर्गेनलीज जो है अपना काम जो है कोऑर्डिनेट करके करना जरूरी नहीं समझती है, अलग अलग कर सकती है। तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जान लीजिए कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया दो डब्बे के अंदर में बंद है। क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल के केस में नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट में प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन रखती है और प्लांट्स को हरे भरे बनाए रखती है। पेरी एक्सोसोम्स भी जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फंक्शन नहीं है। अब हम न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस है और ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर की स्ट्रक्चर है। ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो फ्रीली रहता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। तो अंदर वाले मेम्ब्रेन को हमने इनर मेम्ब्रेन बोला। आउटर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन जो दिख रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है अपने मेम्ब्रेन के द्वारा और डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बंधा हुआ रहता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे एक जो है
स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है कनेक्टेड है, अटैच है, देखिए अटैच है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर बोलेंगे। ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फिगर है। यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस का, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन सी ऑर्गेनलीज कर रही है। तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करती है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अपने मेम्ब्रेन को बढ़ा के न्यूक्लियस को घेर लेती है, और जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे जो राइबोसोम्स अटैच है, ये देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे भी अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि न्यूक्लियस पे जो हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं वो राइबोसोम्स कहाँ से आते हैं। तो वो राइबोसोम्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम न्यूक्लियस को प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आप देख रहे हैं जाल की तरह एक नेटवर्क की तरह फैल गई है, इसलिए इसका नाम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रखा गया। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जगह को दो स्पेस में बांटा गया, अंदर वाले स्ट्रक्चर जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसको दो स्पेस में बांटा गया। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर में जो ये जगह आपको दिख रही है, अंदर वाले जो स्पेस को हम बोलेंगे ल्यूमिनल स्पेस, और बाहर वाला जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जो बाहर वाला स्पेस है, आगे पीछे किसी भी तरफ वाले स्पेस को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी जो सेल ऑर्गेनलीज होती है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में क्या रहती है। तो हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जिस भाग पे राइबोसोम्स अटैच होंगे, ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसके इस भाग पे राइबोसोम्स अटैच है, इसे हम बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, आरिया रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जिस स्पेस पे राइबोसोम्स अटैच, राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसे हम बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER बोलेंगे। यहाँ पे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, ये राइबोसोम्स इसका काम है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना, और जो SER है जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये सॉफ्ट है, स्मूथ है, तो चिकनी सामान्य बनाएगी, जैसे लिपिड्स बनाएगी, लिपिड्स मतलब तेल बनाएगी, फैट्स बनाएंगे, घी वाला मटेरियल बनाएगा। आप यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बगल में सामने में जस्ट सामने में एक सेल ऑर्गेनलीज एक और प्रेजेंट है, वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमेशा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास में ही रहती है। ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आपको देख रहे हैं, इसे हम सिस्ट्रेन बोलते हैं, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है पैरेलल अरेंज रहती है, मतलब कोई भी जो उसका सिस्ट्रेन है, ये सिस्ट्रेन है, ये आपस में नहीं मिलेंगे। और गोल्जी बॉडी का जो फेस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के तरफ रहता है उसे हम सिस फेस बोलते हैं, और जो फेस गोल्जी बॉडी का जो भाग इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से दूर रहता है इसे हम ट्रांस फेस बोलते हैं। गोल्जी बॉडी का फिगर है। हमने इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर देख लिए, और हमने जान लिया कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से ऑर्गेनेलीज को रखा गया और क्यों रखा गया। अब हम इसके फंक्शंस को देखेंगे कि एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कौन सा फंक्शन कर रहा है और कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब हम इंडो मेम्ब्रेन का फंक्शन समझेंगे कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये मैंने एक सेल का फिगर बनाया है। सेल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अटैच है जिसे हम बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सामने में बिल्कुल पास में एक शर्माती हुई लड़की बैठी हुई है, जैसे देखिए झुक के बैठी हुई है, पीठ दिखा के बैठी हुई है, इसे हम बोलेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम
कि जिस सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच है इसे हम बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस सरफेस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं है उस एरिया को हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इस एरिया पे कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे हम। और जो अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर जो स्पेस है उसे हम ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं, और बाहर वाले स्पेस को हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस मतलब साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल मैम कोशिका के अंदर कुछ फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ये फ्री राइबोसोम्स हैं, फ्री राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स जो फ्री राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बनाएगी। ये प्रोटीन क्या होगा, जो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाएगी अंदर वाले सेल ऑर्गेनेल्स इस प्रोटीन को यूज करेंगे, या सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स का बना रहता है तो ये अपने सेल मेम्ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए फ्री राइबोसोम्स के प्रोटीन को यूज करेगा। लेकिन ये जो RER है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोटीन है वो अंदर वाले सेल ऑर्गेनेल्स नहीं यूज करेंगे, इस अपने मटेरियल को ये पैकेजिंग करके बाहर इसे सेल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन जाना है, उसे गॉल्जी बॉडी सेल मेम्ब्रेन को फाड़ते हुए बाहर लेके जाएगी और जो उसका फंक्शन परफॉर्म करना होगा वो करेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो राइबोसोम है इसने प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन इसने किया। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है ये पोरस होता है, इसमें छिद्र होता है, ये जो इन प्रोटीन है ये सब मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर आ जाएगी, ये अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, इस प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करेगा, मतलब इसमें कुछ केमिकल्स अटैच कराएगा। मतलब अगर लिपिड्स ने प्रोटीन पे लिपिड्स लगाया तो उसे हम लाइपोप्रोटीन बोलेंगे, अगर इसने इस प्रोटीन पे कुछ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च लगा दिया तो हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। ग्लाइको वर्ड पढ़ो तो समझना है कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन कर दिया इसने, अब इसे क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन से ये बाहर भेजेगा। ये बाहर कैसे भेजेगा, छोटी छोटी गोलियां बनाएगा और इसे अपने प्रोटीन को जो उसने मॉडिफाई हल्का सा मॉडिफाई कर दिया है उसे गोलियां बना के बाहर भेज देगा। इस गोलियों को हम बोलेंगे वेसिकल। वेसिकल जो है छोटा सा ओवल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक कोई मटेरियल को लेके जाता है जिसे उसे सेक्रेट करना है मतलब निकालना है। अब इस वेसिकल को ये गोल्जी बॉडी का सिस फेस रिसीव करेगा। हम पढ़ चुके हैं कि गोल्जी बॉडी का जो भाग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं सिस फेस। सिस का मतलब होता है सेम, सेम सिस का मतलब होता है सेम। तो ये सिस फेस गोल्जी बॉडी का क्या करेगा, इस वेसिकल को रिसीव करेगा। तो इसने वेसिकल को क्या किया, रिसीव कर लिया। ये देखिए इसने वेसिकल को रिसीव कर लिया। उस वेसिकल के अंदर में कुछ सेक्रेटरी मटेरियल है, मतलब कुछ उसने मटेरियल ले रखा है जिसे उसे सेक्रेट करना है। अब यहाँ पे गोल्जी बॉडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करेगी इस वेसिकल पे, इस वेसिकल को मोर मॉडिफिकेशन करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा सजाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसे हल्का सजा दिया, मतलब कुछ लिपिड्स लगा दिए, कुछ स्टार हल्का सा लिपिड हल्का सा स्टार्च लगा दिया। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, अगर इस प्रोटीन पे जिसने वेसिकल से जो उस प्रोटीन को भेजा उसमें और केमिकल 4 चम्मच केमिकल्स लगाएगा, 4 चम्मच स्टार्च लगाएगा, मतलब गोल्जी बॉडी का काम है मोर मॉडिफिकेशन देन ईआर। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मटेरियल का जो मॉडिफिकेशन करता है कौन सा ऑर्गेनेल्स ज़्यादा करता है, तो हमें मेजोरिटी आंसर देना है गोल्जी बॉडी का, जबकि मॉडिफिकेशन ईआर भी कर रहा है लेकिन हमें आंसर गोल्जी बॉडी को देना है क्योंकि ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रहा है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया तो वो करेक्ट है, अगर गोल्जी बॉडी भी आ रहा है ऑप्शन में तो हमें गोल्जी बॉडी को टिक करना है। अब यहाँ पे इसने मॉडिफिकेशन कर दिया गोल्जी बॉडी ने वेसिकल को, ये रिसीव कर रहा है। यहाँ पे फिर जो ट्रांस वाला फेस है, ट्रांस फेस हम किससे बोल रहे हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर है, ट्रांस वाले फेस से क्या करेगा, ये जो है वेसिकल बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अब इसका क्या हो चुका है, मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब ये ट्रांस फेस क्या करेगा, इसको पैकेजिंग करेगा, मतलब यहाँ पे हमारा सामान जो है बिल्कुल तैयार है, अब उसे सील पैक पन्नी में एक डब्बे में बांध करके भेज देना है, तुम अपना काम करने जाओ, जहाँ तुम्हारा टारगेट है वहाँ पे तुम जाओ।
तो ये ट्रांस वाला फेज, ये ट्रांस फेज है, इसे हम ट्रांस फेज बोलेंगे। ट्रांस फेज का काम है सामान की पैकिंग करना, मटेरियल की पैकेजिंग करना। तो यहाँ पे ट्रांस वाला फेज ने क्या किया, इस वेसिकल का पैकिंग किया। अब ये पैकिंग करके इसने सील पैक डब्बे में बंद कर दिया और इस बोलियो को उसने साइटोप्लाज्म में क्या किया, रिलीज कर दिया। कुछ वेसिकल क्या हुए, कुछ वेसिकल इस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो गए और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए ये बाहर चले गए, बाहर चले गए। तो कुछ जो कुछ वेसिकल जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो गए, रह गए, इसे हम लाइजोसोम्स हमने नाम दे दिया, लाइजोसोम्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन एक बनेगा कि लाइजोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रही है। गोल्जी बॉडी का काम है लाइजोसोम का फॉर्मेशन कर। यहाँ पे लाइजोसोम के फॉर्मेशन में एक और ऑर्गेनलिस काम कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोनों का काम है, ये सपोर्टिव फंक्शन है लाइजोसोम का बनाना। अगर ऑप्शन में अगर हमारा ईआर और गोल्जी बॉडी अलग अलग ऑप्शन में आते तो हमें गोल्जी बॉडी को ज़्यादा मेजोरिटी देना है। ये एक करेक्ट आंसर होगा, गोल्जी बॉडी लाइजोसोम का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे देखिए आरईआर का काम है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाना मतलब ये एंजाइम भी बना रही। एंजाइम हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो होता है प्रोटीन का बना है, प्रोटीन के द्वारा बना हुआ केमिकल है जो केमिकल्स की रेट को फास्ट करता है, तेज कर रहा है। तो एंजाइम जो है 99% प्रोटीन का बना हुआ है। तो आरईआर का काम है एंजाइम्स को बनाना। अब ये एंजाइम्स क्या करेगा, एंजाइम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस एंजाइम को मॉडिफाई करेगा, फिर उससे गोल्जी बॉडी लेगा, गोल्जी बॉडी उसे और ज़्यादा मॉडिफाई करेगा, फिर गोल्जी बॉडी उसे मॉडिफिकेशन कर पैकिंग करके, ट्रांसफेज उसका पैकिंग करके बोली वेसिकल्स के रूप में क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर भेज देगा। जैसे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में 6-7 एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसका मतलब पैनक्रियाज में जो है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा होगी। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ है, चिकना है, ये चिकनी सामान्य बनाएगा, मतलब ये तेल बनाएगा, घी बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, वैक्स बनाएगा। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड्स बनाना, मतलब ये स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स बनाएगा। स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स में हम एस्ट्रोजेन, फीमेल हॉर्मोन है एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन, मेल हॉर्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल में एक लेडिक सेल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो लेडिक सेल का काम है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। ये हॉर्मोन मेल में क्या करता है, मूछदारी, आवाज़ को, वॉइस को भारी करना करने वाला काम ये करता है टेस्टोस्टेरोन करता है। स्टेरॉयडल हार्मोन आ सकता है कि कौन सा कौन बनाता है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है क्योंकि स्टेरॉयडल हार्मोन्स में लिपिड्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे लाइजोसोम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया, अब हम फंक्शंस को देखते हैं, उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला फंक्शन हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रही है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लाइजोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रही है, लाइजोसोम का भी फॉर्मेशन सपोर्टिव फंक्शन है दोनों का, ईआर का और गोल्जी बॉडी का बनाना लाइजोसोम का। तीसरा फंक्शन है आरईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक साइट प्रोवाइड करती है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि ईआर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या अटैच है, राइबोसोम अटैच है। तो जरूरी है कि वो प्रोटीन ही सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन बनाना। अब एसईआर क्या करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हम जानते हैं लिपिड सिंथेसाइज करेगा, इसका काम है लिपिड बनाना, तेल वैक्स बनाना। जैसे क्लोस्ट्रियोल है, क्लोस्ट्रियोल भी क्या है, तेल है, तो ये एसईआर ही बनाएगा, एसईआर का काम है क्लोस्ट्रियोल को बनाना। द मेजर लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय एसईआर आर फॉस्फोलिपिड्स एंड क्लोस्ट्रियोल। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन अराइज होगा, क्वेश्चन बन सकता है कि एसईआर का, एसईआर जो है कौन सा लिपिड्स ज्यादा बनाता है, फॉस्फोलिपिड्स ज्यादा बनाता है एंड क्लोस्ट्रियोल बनाता है। एक और फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स बनाना, वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स बनाना।
स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स जो है लिपिड्स के बने हुए होते हैं, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा प्लाज्मिक रेक्टिकुलम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, चाहे हम पेन किलर लें, बहुत सारे मेडिसिन हम यूज़ करते रहते हैं, चाहे हम अल्कोहल, बहुत एडिक्ट है अल्कोहल के, तो ये SER क्या करता है कि वो उस टॉक्सिक सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं उसको जल्दी से लेस टॉक्सिक में चेंज कर देता है, केमिकल में चेंज कर देता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। जैसे हम अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल क्या करता है, पहले लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर साइरोसिस जो है वो ज़्यादा अल्कोहल लेने के कारण होता है। तो ये SER क्या है कि लीवर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है तो उस SER ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, किसी भी वातावरण के अनुसार, किसी चीज़ के अनुसार हमारा बॉडी किसी अपने आप को ढाल लेता है। तो हम ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो हमारा बॉडी, हमारा लीवर का सेल क्या करेगा, मोर SER बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उसमें ज़्यादा डेवलप होगा, ताकि वो जो अल्कोहल में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे लेस टॉक्सिक में वो चेंज कर सके। तो SER का हमने ER का फंक्शन देख लिया। अब यहाँ पे गोल्जी एपरेटस का फंक्शन देखते हैं। गोल्जी एपरेटस का भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये मोर मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल करेगा। ER जो भी सामान गोल्जी बॉडी को मटेरियल वेसिकल के रूप में भेजेगा उससे पहले मॉडिफिकेशन करेगा, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेगा। ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, याद रखना है हमें, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करती है मॉडिफिकेशन करके, लास्ट में क्या करती है, पैकेजिंग करती है। ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का काम है पैकेजिंग करके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा उस सब्सटेंस को बाहर भेज देना। तो आज हमने वीडियो में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का स्ट्रक्चर फंक्शन समझा, वो अपना काम कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।